गांव के उस पुराने कुएं के पास कई लोग जमा थे। उनमें कई सारी स्त्रियां और पुरुष थे। कुछ लोगों के हाथों में ढोलक थे तो कुछ के हाथों में मंजीरा। औरतों के हाथों में मिट्टी के मटके थे जिसमें दूध भरा हुआ था। कुएं के पास ही विमला का पति नागेंद्र अपनी माँ सीमा देवी के साथ खड़ा था। सीमा देवी के हाथों में दो छोटी छोटी बच्चियां थी। उन दोनों बच्चियों की आंखों के नीचे नीले रंग का निशान था। वो बच्चियां लगातार रोए जा रही थी, लेकिन उनके रोने की आवाज ढोलक की तेज आवाज से दब जा रही थी। गांव की मुखिया चंदा देवी कुएं के पास खड़ी होकर ढोल और मंजीरे बजाने वालों को बीच बीच में जोर जोर से ढोल बजाने को बोल रही थी। और जोर से बजाओ। कुएं से थोड़ी दूर पर एक पेड़ था। उस पेड़ से रस्सियों के सहारे विमला को बांध कर रखा गया था। वो बार बार चिल्लाते हुए कह रही थी, मत करो, अरे मत करो, जरा तो रहम करो, मत करो ये अन्याय, ये अत्याचार मत करो। विमला के बार बार इस बात को दोहराने से गांव की मुखिया चंदा देवी का गुस्सा भड़क गया। उसने अपना हाथ उठाया और ढोल वालों से कहा, एक मिनट रुको, ढोल बजाना बंद करो। तुरंत ही वहां सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद चंदा देवी गुस्से में दांत पीसते हुए पेड़ के पास गई और एक जोरदार मुक्का विमला के मुंह पर मारा। मुक्का इतनी ताकत से मारा गया था कि विमला का मुंह खून से भर गया, लेकिन इसके बावजूद भी विमला अपनी बात दोहराती रही, मत करो, अरे मत करो, जरा तो रहम करो, मत करो ये अन्याय, ये अत्याचार मत करो। चुप चुप हो जा, तुझे पता है ना इस गांव में लड़कियां जन्म नहीं ले सकती, और जिसने भी लड़कियों को जना उसकी आंखों के सामने उसकी बेटियों को इस कुएं में डाल दिया जाता है। मत करिए, भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मेरी मासूम बेटियों के साथ ऐसा मत करिए। बेशर्म औरत, तुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुझसे क्या कह रही हूँ। अरे यहाँ एक लड़की का जन्म गुनाह है, और तुमने तो दो दो लड़कियों को जन्म देकर गुनाह नहीं पाप किया है, पाप, और इस पाप की सजा तुम्हारी बेटियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। उसके बाद गांव की मुखिया चंदा देवी ने अपने गुंडों को आवाज लगाकर वहां बुलाया और उनसे कहा, शेरा वीरा, इस पापन के मुंह पर एक काला कपड़ा बांधो ताकि ये शोर न मचा सके। उसके बाद चंदा देवी वापस से कुएं के पास गई और अपना हाथ उठाते हुए गांव वालों से बोली, गांव वालों, आप सभी जानते हैं कि इस गांव में लड़की का जन्म नहीं हो सकता, और अगर किसी ने उसे जन्म दे दिया है तो उस लड़की को हमें कुएं को सौंपना होता है। नागेंद्र की पत्नी ने एक नहीं दो लड़कियों को जन्म दिया है, ये इस गांव के लिए बहुत बुरा शगुन है, हमें इसे जल्द से जल्द मारना होगा। आप सभी तैयार है ना? हाँ हाँ, हम तैयार है। उसके बाद चंदा देवी ने गांव की औरतों से कहा, देखिए सूर्यास्त के पहले हमें सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है, इसलिए आप लोग जरा भी देर ना करें और एक एक कर कुएं में घड़े का दूध डालें। चंदा देवी के कहे अनुसार गांव की औरतें अपने साथ लाए मिट्टी के घड़े का दूध कुएं में डालने लगी। कुछ देर बाद सारी औरतों ने कुएं में दूध डाल दिया था। अब आप सभी लोग इस घड़े को तोड़ दीजिए और टूटे हुए भाग में कुएं से निकालकर थोड़ा थोड़ा पानी जमा करिए, उसके बाद उस पानी से इन दोनों बच्चियों को नहलाइए। चंदा देवी के कहने के बाद सभी लोगों ने उन दोनों बच्चियों को नहलाया। उन दोनों छोटी छोटी मासूम बच्चियों को तो ये पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। बच्चियों को नहलाने के बाद चंदा देवी ने उन बच्चियों को अपने हाथ में लिया और बजाओ, जोर से बजाओ। एक बार फिर से इकट्ठा लोग ढोल और मंजीरे बजाने लगे। इसी बीच चंदा देवी ने उन दोनों बच्चियों की ओर देखा और उनसे कहा, जा, तुम दोनों को मुक्त करती हूँ। ये कहकर चंदा देवी ने उन दोनों मासूमों को कुएं में फेंक दिया। पहले छपाक की आवाज आई, फिर उन बच्चियों के रोने की, और फिर सब कुछ खामोश हो गया। उन दोनों बच्चियों ने दम तोड़ दिया। धीरे धीरे कर सभी लोग वहां से अपने घर की ओर जाने लगे। विमला की आंखों से झरझर कर आंसू बहते रहे। वो बेचारी चीख चीख कर रोना चाहती थी। आखिर क्यों न रोती वो? 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर पाला था उसने उन बच्चियों को, लेकिन एक ही झटके में सब समाप्त हो गया था। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मार डाला इन राक्षसों ने मेरी मासूम को, सब खत्म हो गया, सब खत्म। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ से इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, ईश्वर वहाँ से अपनी कहानी लिखना शुरू कर देता है। विमला की वो दोनों बच्चियां मर गईं, लेकिन मरने के बाद उनकी आत्मा जो एक ज्योति स्वरूप में थी, वो इंस्पेक्टर सीमा जो वहाँ से 700 किलोमीटर दूर एक शहर में रहती थी, उसकी कोख में समा गई। इंस्पेक्टर सीमा ने कुछ महीनों के बाद दो बच्चियों को जन्म दिया। इन दोनों बच्चियों के भी जन्म से ही आंखों के नीचे काला निशान था। रमेश, कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है।
शादी के 10 साल बाद हम दोनों को माता पिता बनने का सुख इन प्यारी बच्चियों ने दिया है। भगवान का किस मुंह से हम शुक्रिया अदा करें। सीमा, हमारी बेटियों के आंखों के नीचे ये नीला निशान कितना प्यारा है ना? हाँ, बहुत ही प्यारा। इंस्पेक्टर सीमा और रमेश ने अपनी बेटियों का नाम दुर्गा और लक्ष्मी रखा। समय बीतता गया, दोनों बच्चियां माँ बाप के लाड प्यार से पलने लगी। लेकिन जैसे ही उन दोनों की उम्र 6 साल की हुई, एक अजीब घटना उनके साथ हुई। एक रात की बात है, वो सभी गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी दुर्गा और लक्ष्मी दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगी, हमें बचा लो हमें, वो मार देंगे हमें, वो हमें कुएं में फेंक देंगे, हमें बचा लो, माँ माँ बचा लो हमें, माँ 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 उस औरत ने हमें गोद में उठा रखा है, वो मार देगी, वो कुएं में फेंक कर मार देंगे हमें। अपनी दोनों बच्चियों को इस तरह चिल्लाते हुए देख सीमा और रमेश दोनों की नींद खुल गई। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ, कौन कौन तुम्हें मार देगा, कौन? दुर्गा और लक्ष्मी ने कोई बहुत बुरा सपना देखा था और उस सपने का डर उन पर इतना हावी था कि उनका चेहरा पीला पड़ गया था। सीमा और रमेश के कहने पर उन्होंने सपने की बात अपने माँ और पिता को बताई। अरे बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, वो एक बुरा सपना था, सपने की बात से क्या डरना, चलो सो जाओ, हम है ना यहाँ। लेकिन उस दिन के बाद से तो ये सिलसिला शुरू हो गया। हर रात उन्हें एक ही सपना आता, वो डर के मारे चीखते हुए जाग जाती और कहती कि वो औरत उन्हें कुएं में फेंक कर मार देगी। दहशत का ऐसा चक्रव्यूह उन बच्चियों के इर्द गिर्द रचा गया कि एक समय तो ऐसा आया कि बच्चियों ने सोना छोड़ दिया, खाना पीना भी उन्होंने त्याग दिया। सीमा और रमेश उनकी हालत को देखकर बहुत टेंशन में आ गए। हे भगवान, हमारी बच्चियों को किसकी नजर लग गई, इतने डॉक्टरों को इन्हें दिखाया, इतनी सारी दवा बदली, लेकिन इनकी हालत में कोई सुधार ही नहीं हो रहा है। कुछ दिनों के बाद तो दुर्गा और लक्ष्मी ने जागती आंखों से भी बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वो अचानक से चीखती और कहती कि माँ माँ वो देखो वो औरत खड़ी है वहाँ मुझे मारने के लिए, वो देखो वो गांव के लोग कैसे ढोल नगाड़े बजा रहे और हमारी मौत का जश्न मनाने को तैयार है। माँ 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 देख रही हो ना, वो गांव मायागंज गांव बहुत बुरा है वो गांव, बहुत बुरा। सीमा और रमेश ने अपनी बेटियों की बात सुनी और उन्हें ऐसा लगने लगा कि सीमा, मुझे लगता है कि हमारी बेटियों को पूर्व जन्म का कुछ याद है और वही याद उन्हें परेशान कर रही है। रमेश, मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि पिछले जन्म में इनकी हत्या हुई थी, लेकिन किसने की थी वो हत्या और पिछला जन्म इनका हुआ कहाँ था? सीमा, तुमने सुना नहीं, ये लोग किसी मायागंज गांव की बात कर रहे थे। सीमा और रमेश ने मायागंज गांव को इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया, लेकिन इस नाम के तो उन्हें कई सारे गांव दिखे। लेकिन एक दिन जब वो कंप्यूटर के पास बैठे थे, तभी एक गांव की कुछ तस्वीरों को देखकर दुर्गा और लक्ष्मी के हाव भाव बदलने लगे। उनकी आंखों में दहशत साफ देखी जा सकती थी। सीमा और रमेश को समझ आ गया कि हो न हो ये वही गांव है जहां दुर्गा और लक्ष्मी को मारा गया था। सीमा, ये गांव तो यहां से करीब 700 किलोमीटर दूर है, हमें अपनी बेटियों को भी वहां लेकर जाना चाहिए। इंस्पेक्टर सीमा ने अपने ऑफिस से स्पेशल परमिशन ली और उस गांव की ओर ट्रेन से चल पड़ी। पूरी रात ट्रेन में सफर कर वो उस गांव में पहुंची। जब वो लोग उस गांव में पहुंचे तो रात हो गई थी। जब वो गांव पहुंचे तो उन्हें ढोल और नगाड़ों की आवाज सुनाई थी। उन्हें लगा कि गांव में कोई शादी ब्याह होगा और ये आवाज वहीं से आ रही है। ये सोचकर वो आवाज की दिशा में बढ़े और बढ़ते बढ़ते उसी कुएं के पास जा पहुंचे। आज भी उस कुएं के पास किसी छोटी बच्ची को मारने की तैयारी चल रही थी। चंदा देवी ने उस बच्ची को गोद में उठा रखा था। गांव वालों, आज फिर से इस गांव की धरती पर इस औरत ने एक लड़की को जना है, और आपको पता है ना, लड़की को जन्म देना इस गांव के लिए पाप है पाप। यहाँ कोई लड़की जन्म नहीं ले सकती, और अगर जन्म ले लिया तो उसकी मौत होगी मेरे हाथों। लक्ष्मी और दुर्गा ने जैसे ही चंदा देवी को देखा, वो जोर जोर से चीखने लगी, माँ माँ यही है वो औरत, ये हमें मार देगी, यही आती है हमारे सपनों में, यही है, हमें बचा लो माँ, हमें बचा लो। लक्ष्मी और दुर्गा के साथ उसकी माँ को देखकर चंदा देवी चौंक गई। कौन हो तुम लोग, इस गांव में कैसे आ गए? हम मौत है तुम्हारी, तुम्हारा खेल खत्म हो गया, बहुत हत्याएं कर ली तुमने, लेकिन अब नहीं। क्या करोगी तुम मेरा? मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती तुम, यहाँ मेरी सत्ता चलती है, मेरी। चलो भागो यहाँ से, मेरे काम में दखलंदाजी मत करो, नहीं तो तुम लोगों को मारकर यहीं फेंक दूंगी। शेरा, भीमा, राका, नागदंत, पकड़ो इन लोगों को। लेकिन वे गुंडे कुछ करते उसके पहले ही पूरा गांव पुलिस के सायरन की आवाज से गूंज उठा
पूरे गांव को पुलिस ने घेर लिया था। गांव वालों, पुलिस ने इस गांव को चारों ओर से घेर लिया है। चंदा देवी का साथ देना बंद करो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। पुलिस चंदा देवी और उसके गुंडों को पकड़कर ले गई। उसके ऊपर कई सारी बच्चियों की हत्या का मुकदमा चला। जज ने चंदा देवी को राक्षसी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। चंदा देवी की गिरफ्तारी के बाद मौत की ये बहुत ही विभत्स प्रथा का अंत हुआ और उस गांव में भी लाडो के जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया जाने लगा। बेटी है तो कल है, बेटियां ही धरा का आधार है, इसलिए बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए और देश का भविष्य उज्जवल बनाइए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो पर दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा बेटियों के नाम पर और कमेंट भी। बहू ये ले अपनी दोनों बेटियों को ये दूध पिला दे। ये बोलकर बिमला ने दूध की कटोरी अंजलि की ओर बढ़ा दी। अंजलि ने आज ही दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है और वो दोनों अभी भूख से रो रही हैं। अंजलि ने बिमला के हाथ से दूध की कटोरी ली। बिमला मन ही मन खुश हुई। हाँ हाँ पिला दे अपनी दोनों बेटियों को ये हत्या करने वाली दवा वाला दूध। भेज दे इन दोनों अपशगुनियों को यमलोक में। बिमला का बेटा बिरजू छुप कर ये देखने लगा। उसने खुद के हाथों से हत्या करने वाली दवा मिलाई है दूध में। अंजलि दूध लेकर रोती हुई अपनी बेटियों के पास गई। उसे आइडिया भी नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो दोनों बेटियों को दूध पिलाने जा ही रही थी कि तभी अचानक से कुतिया ने छलांग लगाई और अंजलि के हाथ से दूध की कटोरी गिर गई। हे राम सत्यानाश कर दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मनहूस औरत दूध गिरा दिया, इसका पैसा क्या तेरा बाप भरेगा? मैंने जानबूझकर नहीं किया माँ जी, वो कुतिया। तू और तेरी कुतिया दोनों को इस घर से भगा दूंगी। माफ कीजिएगा माँ जी, आज रात मैं और मेरी बच्ची भूखे ही सो जाएंगे। अंजलि की पालतू कुतिया ने उसकी दोनों बेटियों की जान बचा ली। रात को अंजलि अपनी बेटियों को लोरी सुनाते हुए सो गई और तभी घर के बाहर गांव की मुखिया शकुंतला देवी आ गई। बिमला और बिरजू बाहर आए। शकुंतला देवी का ठाट बाट ही अलग है। वो हमेशा साथ में दो नौकर लेकर घूमती है। उनमें से एक हमेशा हुक्का पकड़ कर रहता है और एक हमेशा शकुंतला देवी को हवा करता है। क्या रे बिमला, काम हुआ? नहीं मालकिन, उस कुतिया ने सारा दूध गिरा दिया। मैंने अपने हाथों से हत्या करने वाली दवा मिलाया था, सोचा था कि दोनों बेटियों को खुद के हाथों से मारूंगा। छी, तू और तेरा बेटा किसी काम के नहीं। दो नवजात बच्चियों को नहीं मार पाए तुम दोनों। याद रखना, इस गांव में बेटी पैदा नहीं हो सकती, सिर्फ बेटे पैदा होंगे बेटे। याद है मालकिन? ठीक है, कल अपनी बहू और दो बेटियों को मेरे पास ले आना। अब जो करना है मैं ही करूंगी। ये बोलकर शकुंतला देवी चली गई। ये गांव शकुंतला देवी के परिवार ने ही बसाया था, इसीलिए इस गांव में उस परिवार का नियम ही बरसों से चलता आ रहा है। शकुंतला सभी गांव वालों से कहती है, सुनो सभी, लड़की होना अच्छी बात नहीं है, लड़की तो सर का बोझ है, बोझ। समय के साथ गांव वाले भी ये मान गए। शकुंतला ने आदेश दिया, अगर किसी घर में बेटी पैदा होगी तो उसे तभी मार देना होगा और हमारे घर के कुएं में उसको फेंक दिया जाएगा। गांव वाले वही करने लगे। रोती हुई माओ से उनकी बेटियों को छीनकर घर के मर्द लोग उन बेटियों को कुएं में फेंकने लगे। अंजलि की शादी जब इस गांव में तय हुई तब उसे ये सब पता नहीं था, लेकिन शादी के बाद जब वो गर्भवती हुई तब एक दिन वो तालाब में नहाने गई थी। उसी समय गांव की कुछ औरतें भी नहाने के लिए आई हुई थी। अरे अंजलि, तेरा कौन सा महीना चल रहा है? 3 महीना दीदी। अरे वाह, ध्यान रखना लड़का ही हो, लड़की हुई तो मुश्किल में पड़ जाएगी। अंजलि पढ़ी लिखी लड़की है, उसने कहा। लेकिन लड़का होगा या लड़की, वो सब हम औरतों के हाथ में थोड़ी होता है, वो तो मर्दों के ऊपर है। यहाँ इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, इस गांव में लड़की हुई तो उसे मार दिया जाएगा। ये सुनकर अंजलि चौंक गई। मतलब ऐसे कैसे मार दिया जाएगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। अरे नादान लड़की, मेरा मर्द पुलिस में ही है, उसी ने मेरी नवजात बेटी को अपने हाथों से मारा था। ये सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। अंजलि को सब कुछ पता चल गया। उसने अपने पति बिरजू से कहा, देखो जी, लड़का हो या लड़की, मैं किसी से भेदभाव नहीं करती, मैं नहीं मारने दूंगी मेरी बेटी को। ये यहाँ की परंपरा है, तू कौन होती है इसे बदलने वाली? तभी बिमला वहाँ आई और उसने कहा,
बहू, हमारी परंपरा में दखलदारी मत कर। मैं बता रही हूँ, नहीं तो यहाँ तेरा भी काम तमाम हो जाएगा। अंजलि डर गई। अगले दिन अंजलि तालाब से पानी लेकर घर लौट रही थी। इतने में उसने देखा कि एक गर्भवती कुतिया रास्ते में पड़ी हुई है। वो पानी पीने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाल कर तड़प रही है। ओहो, हाय बेचारी, कितनी तकलीफ में है। इसे कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। ये ले, मेरे पास से पानी पी ले। अंजलि ने अपने घड़े से उस कुतिया को पानी पिलाया। पानी पीकर वो कुतिया खड़ी हो गई और अंजलि के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए घर तक चली आई। उसके बाद से वो घर के बाहर ही रहने लगी। अंजलि उसे हर रोज खाना खिलाने लगी। उस कुतिया के साथ अंजलि की दोस्ती हो गई। ऐसे ही 7 महीने बीत गए और वही हुआ जिसका डर था। अंजलि की बेटी हुई वो भी जुड़वा। अंजलि घबरा गई। ये कौन सी परीक्षा ले रहे हैं मेरी भगवान, अब मुझे दो दो बच्चियों को खोना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। अंजलि अपनी दोनों बेटियों को लेकर अस्पताल से घर लौटी। लेकिन लौटते वक्त अस्पताल में उसने एक कागज में कुछ लिख दिया और उस कागज को बेड के ऊपर रख दिया। घर लौटने के बाद सभी का मुंह उतर गया। हाँ, लड़की हुई है, वो भी दो दो, ये कैसा संकट आ गया हमारे सर पर। चिंता मत कीजिए माँ, इन दोनों का भी वही हाल होगा जो इस गांव की बाकी बच्चियों के साथ हुआ है। बिमला और बिरजू अंजलि से उसकी दोनों बेटियों को लेने गए, लेकिन अंजलि अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगाकर रो पड़ी। मैं नहीं दूंगी मेरी बेटियों को, अगर इन दोनों को मारना है तो मुझे भी मारना होगा। बिमला और बिरजू मुश्किल में पड़ गए। बेटा, हम बहू को तो नहीं मार सकते, वैसे भी शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। वही तो, लड़की दिन ब दिन कम होती जा रही है, कुछ अलग प्लान करना होगा कि बेटियां भी मर जाए और बीवी भी रहे। अब उनको कौन समझाएगा कि लड़कियों को बचपन में ही मार दोगे तो लड़कियां तो कम होती जाएंगी ही। वो दोनों शकुंतला देवी के पास गए। शकुंतला ने कहा, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, दूध में हत्या करने वाली दवा मिला दो, फिर देखती हूँ कि दोनों बच्चियां जिंदा कैसे रहती हैं। बिमला और बिरजू ने वही किया, लेकिन अचानक से उस कुतिया ने छलांग लगाई और दूध गिर गया। रात को शकुंतला देवी ने बिमला से कहा कि अगले दिन वो अंजलि को उसके घर ले जाए। सुबह हुई, अंजलि बिस्तर में अपनी बेटियों को लेकर सो रही थी। वो कुतिया बिस्तर के नीचे अंजलि को पहरा दे रही थी। इतने में बिमला और बिरजू कमरे के अंदर आए। अंजलि उठ गई। क्या बात है माँ जी? जल्दी चलो बहू, तुम्हें एक अच्छी जगह पर ले जाना है। कहाँ? अरे जाते जाते बताऊंगा, अपनी बेटियों को ले और चल। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आया। अंजलि अपनी बेटियों को गोद में लिए हुए उन दोनों के साथ चलने लगी। आसपास के घर की औरतें ये देखकर आंसू बहाने लगी। आज फिर से बेटियों की बलि चढ़ाई जाएगी, हे भगवान, इसका अंत कब होगा। उधर अस्पताल में एक डॉक्टर साहब जब ओटी में आए तब उन्होंने बिस्तर में उस कागज को देखा। कागज उठाकर वो पढ़ने लगे। उस कागज में अंजलि ने सब कुछ लिख दिया था और साथ में गांव का पता भी था। अरे बाप रे, ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, आज के जमाने में भी ऐसा होता है? नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ एक्शन लेना होगा। ये बोलकर डॉक्टर साहब जल्दी से निकल गए। उस तरफ अंजलि अपनी बेटियों को लेकर शकुंतला देवी के घर पहुंच गई थी। शकुंतला देवी ने कहा, अंजलि देखो बेटी, जिद नहीं करते, अगली बार तुमको बेटा ही होगा, अब इन दोनों बेटियों को उस कुएं में फेंक दो। नहीं, मैं जीते जी ये नहीं कर सकती। ठीक है, तुम नहीं फेंकोगी तो मैं फेंक दूंगी। ये बोलकर शकुंतला देवी अंजलि की गोद से उन दोनों बच्चियों को छीनने लगी। अंजलि किसी भी तरह अपनी बेटियों को बचाकर दौड़ने लगी, लेकिन वो दौड़कर जाती कहां, दरवाजे पर तो पहरेदार खड़े हुए थे। शकुंतला देवी ने अंजलि को एक चाटा मारा, अंजलि नीचे गिर गई। शकुंतला ने अंजलि से दोनों बेटियों को छीन लिया। अंजलि उन दोनों की जान की भीख मांगने लगी। कुछ मत करो मेरी बेटियों को, छोड़ दो ने, वो तो नन्ही कली है, वो मासूम है, हाय मेरी बच्ची। लेकिन शकुंतला के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो दोनों को कुएं में फेंकने जा ही रही थी कि इतने में डॉक्टर साहब पुलिस कमिश्नर को लेकर वहाँ चले आए। रुक जाओ, मैं पुलिस कमिश्नर हूँ, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। शकुंतला चौंक गई। मौका देखकर अंजलि उठी और शकुंतला से दोनों बेटियों को छीन लिया। शकुंतला ने बंदूक निकाल ली। कमिश्नर, बंदूक सिर्फ तेरे पास है क्या? चल जा यहाँ से, हमें हमारी परंपरा निभाने दे, नहीं तो सबको उड़ा दूंगी।
और तभी कहीं से वो कुतिया चली आई और एक छलांग लगाकर शकुंतला के हाथ से बंदूक छीन लिया। शकुंतला कुएं के पास ही खड़ी थी। शकुंतला को धक्का लगा और वो कुएं में गिर गई। आह, कुआं गहरा था। शकुंतला का खेल खत्म हो गया। कमिश्नर ने आधे गांव को गिरफ्तार कर लिया। अंजलि की दोनों बच्चियों की जान बच गई। डॉक्टर साहब ने अंजलि से कहा, तुमने होशियारी का काम किया। तुम वो नोट नहीं लिखती तो पता नहीं आज क्या होता। तुम बहुत बहादुर हो अंजलि। अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए एक माँ किसी भी हद तक जा सकती है। डॉक्टर साहब, आपने मेरी बेटियों की जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बरसों से चले आ रहे अंधविश्वास को अंजलि ने तोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उस कुतिया को भी दो बेटी हुई और उसके बाद वो अंजलि के साथ ही उसके घर में रहने लगी। इसी तरह सब कुछ सही हो गया। गांव की औरतों के लिए अंजलि महान बन गई। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।